और हमारे इसमें प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे थे जो सभी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, सिलोलिज्म की हमारी दो क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, ये हमारी आज तीसरी क्लास है। तो देखो, इसके अंदर मैंने आपको चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले देखो, कथन दे रखा है। कथन में क्या है, सभी वर्षा जल है, सभी जल नीला है। तो दोनों ही कथन क्या है, पॉजिटिव है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। ठीक है, निष्कर्ष दे रखा है, सभी नीला जल है, तो पॉजिटिव है दोनों। ये भी कुछ जल वर्षा है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हो गए ना, निष्कर्ष भी पॉजिटिव और कथन भी पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पॉजिटिव, सभी क्या है, पॉजिटिव है ना। जल क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है ना। यहाँ पर नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए प्लस की जगह क्या आएगा यहाँ पर, सभी के लिए 50, सॉरी 100, सभी के लिए क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव यानी 100, और जल के लिए क्या आएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है ना, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, 50। ठीक है, इसमें देखो सभी के लिए क्या आएगा, 100, और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है, 50। इतनी बात क्लियर यहां तक। यहां पर देखो सारे पॉजिटिव है, मतलब जो पहला निष्कर्ष से पॉजिटिव, इसकी सभी के लिए क्या आएगा, 100, और इसके लिए क्या आएगा, 50। कुछ के लिए क्या आएगा, और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के लिए 50। ध्यान दो, तीसरी बात क्या याद रखनी है, वर्षा जल है और ये वाला क्या है, मतलब पहले वाला जो है ना इस दूसरे से मेल खाता है। तो क्या करेंगे, देखो सभी, और यहां पर क्या है, कुछ, 100 की 100 का 50 में आ सकता है क्या। देखो जल क्या है, 50 है, ये भी क्या है, 50, जल 50, यहां भी जल 50, तो 100 का 50 में आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। ठीक है, तो निष्कर्ष दो सही हो जाएगा। फर्स्ट में देखो सभी, और ये सभी है ना, ये क्या है, नीला जल, और यहां पर क्या है, नीला जल, यानी दूसरे वाला पहले से मैच खा रहा है। तो नीला जल, नीला कितना है बताओ, और यहां पर कितना नीला, और यहां कितना, ये सभी, यहां पर क्या है, 50। तो क्या ये सही होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बात आ गई समझ में, क्यों गलत हुआ, क्यों गलत हुआ है बताओ। ये तो यहां पर कितना था, यहां पर कितना था बताओ, 100, और 100 का जल कितना, किस में दे रखा है, तो ये नहीं आ सकता ना। देखो ये नीला कितना है, और ये कितना नीला, तो ये मैच नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो देखो, दो में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, नेगेटिव है। अब वर्षा जल को देखो, वर्षा जल ये क्या है, यहाँ पर जल ही मान सकते हो ना, जल लिख लेना यहाँ पर, और इसको भी क्या कर लेना, यहाँ पर जल कर देना आप, क्योंकि नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी आपसे ना। अब जल वर्षा, और देखो ये है जल वर्षा, अब सभी के लिए क्या आएगा, ये 50, ये कितना, 100, और ये है 50, और यहां पर अब देखो जल वर्षा, जल वर्षा, वर्षा कितनी है, 100 का 50 में आ सकता है, आ सकता है ना, और ये जल का क्या है, 50, यहां पर जल का क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निष्कर्ष दो फॉलो करता है। बात आ रही समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर तीन का सॉल्यूशन देखो क्या आना चाहिए। सबसे पहले ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव। ध्यान से देखना, सभी के लिए 100, जल के लिए 50, सभी के लिए 100 और जल के लिए 50, कुछ के लिए 50, कुछ के लिए 50, कुछ के लिए
50 और यहां पर भी। देखो पहला देखो, वर्षा जल है, वर्षा जल है, क्या करेंगे 100 का 50 में आ सकता है और 50 का 50, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ का देखो, कुछ पानी, तो पानी के लिए हम क्या कर देते हैं, जल कर देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये जल है, ये नीला जल, नीला। देखो 100 के लिए क्या है, 50, 50 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th के सॉल्यूशन की। देखो ये क्या है, पॉजिटिव है, सभी वर्षा जल है, सभी जल नीला है, पॉजिटिव, सभी जल वर्षा है, पॉजिटिव, सभी नीला जल है, पॉजिटिव। ध्यान से देखो क्या होता है इसके अंदर, सभी के लिए क्या जाएगा 100 और जल के लिए क्या जाएगा 50, सभी के लिए 100, जल के लिए क्या जाएगा, नीले के लिए क्या जाएगा 50, सभी के लिए 100 और वर्षा के लिए क्या जाएगा 50, सभी के लिए 100 और जल के लिए क्या जाएगा। ध्यान से देखो, ये वर्षा जल है, ये क्या है, मतलब RW, रेन और वाटर, यहाँ पर क्या है, वाटर और ब्लू, ठीक है। नीचे देखो क्या है, वाटर और रेन, यहाँ पर क्या है, ब्लू और वाटर। अब आप ये देखो RW किससे मैच खा रहा है, WR से मैच खा रहा है, तो फर्स्ट को आप इससे देखो, निष्कर्ष के फर्स्ट को इससे देखो। देखो वर्षा क्या है यहाँ पर 100, और वर्षा क्या है, तो 100 का 50 में तो आ सकता है, लेकिन 50 का 100 में दे रखा है क्या, इसलिए यहाँ पर ये क्या जाएगा। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। दूसरा देखो, नीला जल BW और WB, जल क्या है यहाँ पर, यहाँ क्या है, क्या 100 का 50 में आ सकता है, क्या आ सकता है, लेकिन 50 का 100 में, इसलिए निष्कर्ष क्या है, ये भी गलत। एक बार ध्यान दो, सभी गधे घोड़े हैं, क्या है, पॉजिटिव, सभी घोड़े गाय हैं, पॉजिटिव, कुछ घोड़े गधे हैं, पॉजिटिव, कुछ सभी घोड़े गधे नहीं हैं, ये क्या है, नेगेटिव। ध्यान देना, सभी गधे क्या हैं, 100 आ जाएगा, है ना, घोड़े हैं तो क्या जाएगा 50, यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना 50, यहाँ पर कितना 50 और यहाँ पर कितना 50। अब देखो सभी घोड़े कितना जाएगा 100, ठीक है, और गधे नहीं है, इसका मतलब कोई घोड़े गधे नहीं है, सभी में तो नेगेटिव क्या आता है, कोई घोड़े गधे नहीं है, एम इज प्रिंटिंग है, कोई घोड़े गधे नहीं है, तो कोई के लिए 100 और गधे नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्या आता है, 100 आता है। अब ध्यान दो, अगर कथन हमारे पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दो, घोड़े गधे हैं और घोड़े गधे हैं, घोड़े क्या है बताओ, घोड़े को 50 का 50 लिख रखा है और गधे को 100 का क्या लिख रखा है, तो हमारा निष्कर्ष फर्स्ट क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो ये क्या है, पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सभी के लिए 100, घोड़े के लिए क्या आएगा 50, सभी के लिए 100 और घोड़े के लिए, गाय के लिए क्या आएगा 50। ध्यान देना यहाँ पर, आगे क्या करेंगे, देखो पॉजिटिव अगर कथन है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये नेगेटिव निष्कर्ष है ना। अब देखो इसको, कुछ गाय क्या है, घोड़े हैं, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब गाय घोड़े और गाय घोड़े कहाँ पर हैं, गाय घोड़े ये रहा, ठीक है, गाय कितनी है यहाँ पर 50 और घोड़े कितने हैं 50, और घोड़े सभी को 100 को 50 लिख सकते हैं, तो हमारा निष्कर्ष सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।